लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने लर्नर परमिट, जायद अलमियार ड्राइविंग लाइसेंस या किसी दूसरे मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर दिया। वेबसाइट parkwheels.com के मुताबिक CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज की तरफ से ट्रैफिक पुलिस को हदायत की गई है कि जो शख्स लर्नर परमिट पर ड्राइविंग कर रहा हो, उसके पास जायद अलमियार लाइसेंस हो या किसी दूसरे मुल्क का लाइसेंस हो, उसे गिरफ्तार करके उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। ये ऐलान लाहौर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अपने एक्स अकाउंट के जरिए किया गया। एक पोस्ट में लाहौर पुलिस की तरफ से कहा गया कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। शहर में 30 लाइसेंस दफातर, 10 मोबाइल वैन और तमाम खिदमत मराकज 24 घंटे खुले हैं। शहरी अपने ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल यकीनी बनाएं।